आग ही आग हो जाएगी। हम लोग घर आ रहे हैं। राम राम भाइयों, तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज की शुरुआत हो रही है कुछ ऐसी कि अभी अभी सुबह है, तो सुबह गणेश जी की आरती होती है और लड्डू है ना खत्म हुए हैं, तो अपन चलते हैं लड्डू लेने के लिए। फटाफट से लड्डू लेके आना पड़ेंगे, जिससे कि है ना आरती ना रुके, आरती टाइम पे हो जाए। तो हमारे घर पर ही धूप लगी हुई है छत पर, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, हम लोग रोज ताजी हरी धूप चढ़ाते हैं। सबसे बड़ा महत्व इसका है कि गणेश जी को ना ताजी धूप चढ़ाई जाए। धूप नहीं, धूप होती है। हाँ, धूप ही बोल रहा हूँ, धूप। गाड़ी की चाबी कहाँ रखी है? गाड़ी की चाबी कहाँ रख दी? गेट खोलते ही सुबह गागा के दर्शन हो गए हैं। मारेगी तो नहीं, पैर छू लेते हैं अपन। बासु को तो उड़ा के फेंक देगी। गाय का ये पीने वाला बर्तन है ना, इसको धो करके भर दिया है, तो अभी ये साफ है, मतलब गाय अब बीमार नहीं पड़ेगी। इसमें मच्छर ना हो इसके लिए ना, हम इसको टाइम टाइम पे बदल देते हैं पानी। बैक करना, वो आएगी। पता कहाँ लेना है? वो आएगी, दुकान रुकता है। तभी बासु तो लड्डू लेके आ गया, अब चलते अपन घर। हम लोग घर आ गए हैं। अब मैंने अपने मुंह से ही मीम बनाया करूंगा, ऐसे देखो, हम घर आ गए हैं। ठीक है। जो लड्डू रख दिया है गणेश जी को, गणेश जी का फेवरेट लड्डू उनको दे दिया गया है खाने में। मैं तो अभी सो करके उठा हूं, इसलिए मैंने नहाया नहीं है। बासु आरती कर रहा है। हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल जाने के बाद मौसी के पास आया और यहाँ पे सो गया था। इतनी तेज धूप थी ना कि है ना चक्कर आने लगे थे मुझे, इसलिए फिर मैं वापस लौट के हॉस्पिटल नहीं गया। और अब सो के उठा हूँ थोड़ी देर पहले, तो मौसी ने अभी चाय बनाई है, तो चाय पी लेते हैं। पता नहीं, जब मैं सो के उठता हूँ ना तो मुझे भूख लगने लगती है। चाय ब्रेड वैसे कभी पीता नहीं हूँ, पर मौसी के यहाँ पे आके पी लेता हूँ। मैं घर पे नहीं पीता ज़्यादा चाय, चाय मैं घर पे बहुत ही कम पीता हूँ, बहुत ही मुश्किल से जब अदरक वाली बनी हो तभी पीता हूँ, या ठंड में। और वैसे मैं चाय नहीं पीता हूँ। अभी परी है नहीं तो दम करती है, आती चाय फैलाती। अभी तो पता नहीं कहीं टीवी भी देख रही है नहीं, कोचिंग, हाँ ट्यूशन चली गई है अभी। अब परी जब ट्यूशन से पढ़ के आएगी ना, फिर से शोर शराबा होगा, हल्ला होगा, तो अपन जल्दी से चाय पी लेते उसके आने से पहले। भाग जाते हैं, नहीं तो भाग के आएगी चाय फैला जाएगी। अभी जब मैं मौसी के यहाँ पे सो रहा था ना, तो होता क्या है कि मेरे को बहुत देर से मच्छर काट रहे थे। मैंने बोला कि ऑल आउट नहीं लगा आपके घर पे, तो मौसी ने बताया कि ऑल आउट तो लगा है, फिर भी पता है मच्छर इसी के ऊपर बैठा था। मतलब ऑल आउट फुल पे चला रहे हैं तब भी मच्छर काट रहे हैं दम से, वो भी इतना भयंकर ना, काट काट के ना निशान बना दिए सब में। ऐसा मेरे घर पे भी हो रहा है, मेरे को ऐसा लगने लगा कि ऑल आउट वाले ना उसमें पानी डालने लगे हैं लिक्विड में। बड़ा अजीब सा पहली बार मेरे संग ऐसा सीन हो रहा है इसी साथ, कि ना ऑल आउट कितने भी लगा दो लेकिन मच्छर फिर भी काटता है। और इनसे बोलते हैं बाय बाय, अब नहीं डर रही है ये। अब इनने डरना बंद कर दिया, ना पता है कि मैंने कहा कुछ नहीं कर सकता कांच के इस साइड। आयुष आया फिर से मेरे पास और अपन आ गए उन्हीं वाले भैया के पास। भैया लगाएंगे उसमें मंचूरियन में फायर, बहुत खतरनाक आग ही आग हो जाएगी। लग गया फायर, काम डल गया इसका तो मंचूरियन का। इसको करते हैं भाई अपन टेस्ट। काफी टेस्टी है, बढ़िया है। अभी सैंडविच भी बनने वाला है, अपने सैंडविच भी आ गया मस वाले। अब इसको ट्राई करते हैं कैसा इनका टेस्ट। ठीक है, आज के ब्लॉग में ज़्यादा कुछ था नहीं, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय। और आदू से मिलो, अभी 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 आदू आई है, देखो फिर से वो उधम कर रही है। लाइव करके क्या करते हैं, सब्सक्राइब कहते हैं, सरप्राइज भी कहते।